बिहार में मंत्रियों, नेताओं, सांसद, विधायक या सरकारी अफसरों पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कार्रवाई को लेकर जारी आदेश के बाद नीतीश सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। इसी आदेश का विरोध करते हुए सोमवार को पूर्णिया में राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रमेश दास ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लोकतंत्र की हत्या है और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है। के द्वारा जो हमारे प्रशासन में नैयर हसनैन खां जो IPS अफसर हैं, उनके द्वारा ये निकाला गया है कि इस राज्य में सांसद, पूर्व सांसद, विधायक या मंत्री या किसी भी पदाधिकारी पर किसी भी तरह का सोशल मीडिया में टिप्पणी नहीं कर सकता है। इसके लिए कड़ी कानूनी का प्रावधान लाने का काम किया है। इसी के विरोध में हम लोग जो लोकतंत्र पर ये कुठाराघात है, देश या राज्य की जनता जो विपक्ष में है, जो सरकार के खिलाफ है, उस पर सोशल मीडिया में अंकुश लगाने के लिए जो काम कर रही है, उसका राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, छात्र राष्ट्रीय जनता दल, सभी दल के सभी कार्यकर्ता मिल करके इस जो पारित किया है कानून, इसका हम लोग विरोध के स्वरूप में बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग किए।